की भारत में आज ईद मनाई जा रही है। इस्लामिक धर्म गुरुओं ने कोरोना की दूसरी लहर के चलते लोगों से ईद उल फितर अपने घरों में रहकर मनाने की अपील की है, लिहाजा इस बार लोग मस्जिद नहीं पहुंच रहे हैं। ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहे हैं। ईद उल फितर के दिन लोग सुबह नए कपड़े पहनकर नमाज अदा करते हुए अमन और चैन की दुआ मांगते हैं। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को ईद उल फितर की बधाई देते हुए आह्वान किया कि वे कोविड-19 को हराने के लिए नियमों और दिशा निर्देशों का अनुपालन करें, साथ ही देश और समाज की भलाई के लिए काम करें। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ईद उल फितर का पावन त्यौहार रमजान के संपन्न होने पर भाईचारे और सद्भावना के अवसर के रूप में मनाया जाता है। कोविंद ने कहा कि ईद उल फितर खुद को मानवता की सेवा की ओर मोड़ने और जरूरतमंद की जिंदगी को बेहतर बनाने के अवसर के तौर पर भी मनाया जाता है।